दोस्तों हम खड़े हैं यशोदा नगर के देवकी नगर चौराहे के पास। दोस्तों हम आ चुके हैं गुप्ता जी मलाई चाप वाले के पास। तो यहाँ का जो इनका मलाई चाप है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही लोगों ने तारीफ भी किया है। तो आज हम यहाँ का टेस्ट लेने आए हैं मलाई चाप का, कि किस तरीके से हमारे भैया यहाँ पे मलाई चाप कानपुर वालों को खिलाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे जलती हुई अंगीठी में बनता हुआ चाप, आप देख सकते होंगे तरह तरह का यहाँ पे व्यंजन आपको स्वादिष्ट मिल जाएंगे, जो पूरे कानपुर में हर जगह फेमस है। और आप देख सकते होंगे भैया ने यहाँ पे अभी क्रीम डाल रखी है। और यहाँ पे भैया क्या बना रहे हो आप? कढ़ाई पनीर। वाओ, तो यहाँ पे बन रहा है कढ़ाई पनीर। सर तो कैसे क्या बनाते हो सर? सर अपने पास सारी प्रकार की चाप रहती है और ये अपनी ग्रेवी स्पेशल आइटम है जो बन रहा है सर। तो अपने पास और क्या क्या मिल जाता है जो आप कानपुर वाले को इतने प्रेम से खिलाते हो? सर अपने पास चाप रहती है, अफगानी चाप, मलाई चाप, वेज कीमा चाप है, सब प्रकार की चाप रहती है। और अगर ग्रेवी में खाओगे तो ये अपने स्पेशल मेन्यू है सर। तो सर यहाँ का जो शॉप है आपका, जो खुलने का टाइम क्या है? सर 1 बजे अपना प्रॉपरली शॉप खुल जाती है, रात के 11:30 बजे तक रहती है। तो दोस्तों आपने सुना यहाँ पे 11:30 बजे तक शॉप खुलती है, बहुत चलती है। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे लोकेशन गुप्ता जी मलाई चाप वाले, तो यहाँ पे आना ना भूलिएगा और गुप्ता जी के मलाई चाप का स्वाद जरूर लीजिएगा।